दुनिया में वैसे तो कई रहस्य और रोमांच से भरे स्थान हैं, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे ही रहस्यमय जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने शायद पहले नहीं सुना होगा। तो आइए जानते हैं तीन रहस्यमय जगहों के बारे में। नंबर 3 पे है स्कूल ईटिंग स्टोन, मतलब पत्थर खाती खोपड़ी। वेनिस में 16वीं शताब्दी में एक महिला की खोपड़ी को खोजा गया, जिसे देखकर हर कोई डर गया था, क्योंकि जब इस खोपड़ी को खोजा गया तो उसके मुंह में एक पत्थर फंसा हुआ था। कई इतिहासकारों का मानना था कि उस समय ऐसा उन लोगों के साथ किया जाता था जिन्हें वैम्पायर माना जाता था। नंबर 2 पे है मिस्ट्रियस पार्क। इटली में एक ऐसा बगीचा है जो अजीबो गरीब शक्ल वाले भूतों का खजाना है। इसे करीब 500 साल पहले बनवाया गया था। इसे सार्को बॉस्को यानी पवित्र जंगल के नाम से जाना जाता है। इटली शहर के बोमार्जो में स्थित है। सार्को बॉस्को में आपको इंसान की कलाकृति की अलग ही दुनिया देखने को मिलेगी। यहाँ तरह तरह के राजसों को भूत बनाकर लाए गए हैं। कहीं जल दैत्य है, कहीं उड़ने वाला घोड़ा रचा गया है, तो कहीं विशालकाय कछुआ है। कुल मिलाकर सार्को बॉस्को का माहौल बड़ा डरावना है। ये अपने तौर से एकदम अलग दैत्यों की दुनिया मालूम होता है। इसे बनवाने वाले इटली की योद्धा आर्सनी ने पूरे बाग को ऐसे ही भद्दे और डरावने भूतों से भरवा दिया था, लेकिन उसकी मौत के बाद इटली के लोगों ने राजसों के इस बाग में दिलचस्पी लेना बंद कर दिया। कई सदियों से यह पार्क वीरान पड़ा हुआ है, इसकी देखभाल आज तक नहीं हुई। हमारे इस लिस्ट में नंबर 1 पे आइलैंड ऑफ डॉल्स, मतलब गुड़िया वाला द्वीप। गुड़िया वाला द्वीप मैक्सिको सिटी में है और बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर्यटक आने से डरते हैं क्योंकि इस जगह पर कदम कदम पर विकृत गुड़ियाएँ पेड़ों से लटकी हुई हैं जो हर किसी को घुरती हुई नजर आती हैं, जिन्हें देखने के बाद कोई एक कदम भी नहीं चल सकता। इसके पीछे की कहानी यह है कि डॉन जूलियन सटाना बरेरा अपनी पत्नी सहित इस सुनसान जगह पर रहने के लिए आए थे। उन्हें अकेला रहना अच्छा लगता था, पर वह किसी दिन उन्हें नाले से बहते हुए एक बच्ची की लाश मिली, जिस पर जूलियन को लगा कि वे इस लाश की आत्मा के प्रभाव में आ गए हैं। इस कारण से वे आत्मा के प्रभाव से उबरने के लिए पूरे द्वीप पर जगह जगह डॉल्स को तब तक लटकाते रहे जब तक वे मर नहीं गए। कहा जाता है कि उन्हें उनके भतीजे ने मृत अवस्था में पाया था। जूलियन को मरे 14 वर्ष हो गए, लेकिन यहाँ लोग रोमांस की तलाश में आते रहते हैं।